जैसे कि मैं पहले ही अर्ज कर चुकी हूँ कि आज का जो ये फोरम है हम इस पे बात करेंगे खवातीन के जो कंट्रोवर्सी हो चुकी है उन पर, अमजराम जी पर और इंस्टीट्यूशन के जो है कंपैक्टिव फंक्शनैलिटी पर हम कैसे उस तरीके से काम कर सकते हैं और उसके हम सीरियस पे बात तो आगाही है वो देते हैं कि किस तरह से आप गवर्नमेंट से अपने हाथ ले सकते हैं। आमतौर पर तो यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट है कि इदारे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम नजर आते हैं कि इदारे तो हैं, गवर्नमेंट भी है, हम भी हैं, लेकिन हमारे दरमियान रबताकारी की जो कहने के रबताकारी नहीं है, हम आम रबता नहीं करते हैं और शायद हमारी वो भी क्लैरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे लिए करना क्या क्या है। तो ये जो मसाइल है वो फिर हम ही आड़े आते हैं, हम ही देखते हैं मसाइल को ज्यादा कि जब हम लॉज के बारे में अवेयरनेस नहीं रखते हैं, हम यही देखते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है, नहीं हम देखते हैं उनके बारे में तो फिर हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो सोनिया ने मुझे असाइन किया था कि सोशल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन आवर सोसाइटी। तो अगर सोशल पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसकी तरफ बात करने से पहले मार्च का महीना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि मार्च का महीना जो है अगर मानी भी लिया जाए तो इसका मतलब है कि चलते रहना, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना, ये ना रुकने वाला सफर। तो खवातीन के हकूक की बात करते हैं तो रास्ते में जरा मुश्किल नजर आते हैं, क्योंकि मजीद सफरे में नजर आते हैं कि खवातीन के लिए हमारे माशरे के अंदर इतने मसाइल हैं, चाहे वो हमारी सोच से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो हमारी पॉलिसी से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो हमारी स्कीम जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। तो मार्च का महीना जहाँ पे हमें आमद इस बात की बताता है कि अब बाहर का मौसम है, फूल खिलेंगे, तो हमें एक नई मोटिवेशन आती है उससे कि हमने जो अपना काम है भरपूर तरीके से किस तरह करना है खवातीन के लिए। हमारे जो स्टेक होल्डर है मेन एजुकेशन के, खासतौर पर खवातीन को मैं तो मानती हूँ, क्योंकि अगर वही अपने लिए बात नहीं करेगी तो मेरा ख्याल है कि फिर किसी कोई और जितना मर्जी बात करता रहे तो उसका फायदा नहीं होगा। जैसे मैंने शेयर किया कि एक साल से इस कंपेन को हम चिन्हों और फैसलाबाद में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे मुख्तलिफ जब हम कम्युनिटीज में बात करने के लिए जाते हैं वहाँ पे दादोशुमार यानी जो सामने आते हैं, और उसके बाद जब हम आकर मुख्तलिफ रिसर्चेस को देखते हैं कि क्या इस तरह से मुल्की की चीजें या नहीं, तो वो है जो हालात है वो तो काफी हैरान कुन हमें नजर आते हैं। क्योंकि जब हम तालीम की बात करते हैं तो जैसे कि शेयर किया ज़ैनब साहिबा ने, एक ह्यूज डिफरेंस है, लिटरेसी रेट जो है वो बहुत हाई है हमारे पास, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सेकेंड हाईएस्ट कंट्री है जो कि जहाँ पर जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। ओवरऑल जो है वो 22.8 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं मेल और फीमेल, लेकिन इसको अगर सेग्रीगेशन में करूँ और इसका जो एज ग्रुप 22 मिलियन का जो है वो हमारे पास है 5 से 16 साल की उम्र का, तो एक ये भी मेरे लिए तो हैरान कन बात है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि 22 में से भी सेग्रीगेट करने पे या हमने मजीद इसको ब्रेक डाउन करने के लिए चीजों को देखा तो उसमें भी जो प्राइमरी स्कूल्स है वहां पर इनरोलमेंट जो होती है वो प्राइमरी लेवल पर वो 5 मिलियन के करीब फीमेल्स हैं जो कि अभी इनरोल होती है, लेकिन बाद में वो किसी ना किसी सिचुएशन से, मैं आगे जाके शेयर करती हूँ क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से लड़कियां जो है वो स्कूलों से बाहर है, क्योंकि इशू तो एक एजुकेशन का जो है ये ड्रॉप आउट का ही बहुत बड़ा है पाकिस्तान में, लेकिन आज के दिन के मुताबिक मैं बात करूंगी सिर्फ फीमेल की एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि हमारी एक मशहूर कोटेशन भी है कि एक खातून की तालीम जो है वो एक खानदान की तालीम है और एक मर्द की तालीम जो है वो एक वर्ग की तालीम है। तो इसको भी अगर आप देखें तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वो चीज फॉल करती है और ऐसा है भी। इसके अलावा जो हमारे पास 11.4 मिलियन ऐसे 10 से 14 साल की एज ग्रुप के बच्चे हैं
जो के फॉर्मल एजुकेशन में कभी गई नहीं है, तो ये भी एक रादोशुमार जो है वो हैरान करने वाले है कि, और ज्यादातर इसमें आप देखिए जो रूरल एरिया है हमारे पास, वहां पर ये इशू हमें जो है वो ज्यादा नजर आता है। तो ये खुश होने वाली बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर हम अपने पंजाब की बात करें, यहाँ की सूरत हाल बहुत खराब है, तो बाकी सूबों में भी कोई हालत जो है ना वो अच्छी नहीं है। जैसे कि सिंध में 58% लड़कियां जो है वो स्कूलों से बाहर है, इस तरह बलोचिस्तान में 78% 78% जो लड़कियां है वो स्कूलों से बाहर है। और एक अंदाजे के मुताबिक ये भी है कि इनरोल होते हैं बच्चे, लेकिन वो प्राइमरी और मिडिल लेवल पर ही किसी न किसी वजह से उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है। है जो मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को जो है वो पुलिस की हद तक ही मैनेज रखना चाहूंगी। तो सबसे पहले जो वुमेन डे है जो 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, खवातीन का कोई एक दिन मखसूस नहीं है कि हम 1 मार्च को ही वुमेन डे सेलिब्रेट करें, बल्कि इसके लिए हमें पूरा साल एफर्ट्स करने चाहिए। खवातीन जो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 50% है और उनकी रिप्रेजेंटेशन जो कि हमारे मुल्क में उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती, सबसे पहले तो हमें उसके लिए एफर्ट करनी चाहिए और वो जो एफर्ट है वो हम थ्रू एजुकेशन ही कर सकते हैं। इस टाइम अगर हम अपने लिटरेसी रेट को देखें तो पाकिस्तान में डिफरेंट सर्वेस के अकॉर्डिंग जो मेल लिटरेसी रेट है वो 70% है और जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो तकरीबन 48% है। और अगर हम इसको ज्यादा बायफरकेट करें तो रूरल एरियाज में ये डिवाइड बहुत ज्यादा है। रूरल एरियाज में 63% मेल है, मेल लिटरेसी रेट है और फीमेल लिटरेसी रेट 36% है। इसका मतलब ये है कि जो लिटरेसी रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो वायलेंस अगेंस्ट विमेन है। जो वायलेंस अगेंस्ट विमेन है उसकी सबसे बड़ी वजह वो है लिटरेसी रेट का कम होना है, क्योंकि खवातीन को अपने राइट्स का नहीं पता। जब उनको अपने राइट्स का नहीं पता होगा तो फिर उसके लिए कैसे एफर्ट करेंगी या कैसे किसी के ऊपर सवाल कर सकेंगी। और इसके साथ एक तीसरी चीज है जो कि लिंक करती है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब खवातीन फाइनेंशियली अपनी उसके लिए जरूरियात के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी तो उनकी किसी भी डिसीजन मेकिंग में कोई से नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो इंटरनेटेड है। अब मैं पुलिसिंग की तरफ आऊंगी। मेरे तकरीबन फैजाबाद में 5 माह हो चुके हैं और जो हमारे पास 15 की कॉल आती है उसका जब एनालिसिस किया गया तो सबसे ज्यादा जो 150 कॉल है वो हमारे पास वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की आती है। उसके लिए हमने यहाँ पे डिफरेंट सेल स्टैंड किए हुए हैं। एक एंटी हरेसमेंट सेल है फैजाबाद में, दूसरा वुमेन पुलिस स्टेशन है और तीसरा हर पुलिस स्टेशन में हमने एक VSO ऑफिस बनाया हुआ है। हमने रिसेंटली जो के अपने थाने हैं उनको 6 में कन्वर्ट किया है। 6 पंजाब पुलिस का एक ऐसी काविश है जिसमें हमने अपने थानों को पब्लिक फ्रेंडली बनाया है, क्योंकि पुलिस का एक इमेज है जो कि एक नेगेटिव है, परसेप्शन है ना, परसेप्शन के ऊपर है वो नेगेटिव है, उसको ताकि लोगों को हम सिर्फ फ्रंट एंड तक, जो सिर्फ का स्ट्रक्चर है वो टू एंड्स में है, एक फ्रंट एंड और दूसरा बैक है। फ्रंट एंड में वो एरिया आता है जिसमें सिर्फ वो पब्लिक रिलेटेड जो भी पब्लिक है वहां तक उस एरिया तक नहीं होगी। उसमें हमने फीमेल के लिए स्पेशली एक हमारी गाइड कॉन्स्टेबल भी है और दूसरा विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर भी है जो कि फीमेल्स को गाइड करती है कि अगर आप पे ये इशू है तो आपने कहाँ जाना है और कैसे आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है। मुआशरे के इश्यूज को उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें भी फेस करना पड़ता है अगर हम किसी के हक के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ये कि वो अपने हक के बारे में खुद कितना करेज रखते हैं बात कर रहे हैं। तो कोई सबसे पहले तो अपने हक के बारे में तभी छोड़ेगा लॉज या उनकी इम्प्लीमेंटेशन का तभी जो है वो जवाब देगा जब उसको खुद पता होगा कि मेरे लिए कौन कौन से लॉज मौजूद हैं, मेरे लिए कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो मौजूद हैं और मेरे कौन कौन से राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हैं, जो मुख्तलिफ लॉज जो है वो डिजाइन किए गए हैं वुमेन के हवाले से कितना फैसिलिटेट जो है वो किया जा रहा है। मुझे बात करनी है कि एज ए जर्नलिस्ट का क्या रोल बनता है वुमेन की जो है राइट्स की प्रोजेक्शन में
या उनकी जो राइट्स हैं उनके हवाले से जो मुख्तलिफ इश्यूज आती हैं उनको डिस्कस करने के बारे में। लेकिन सबसे पहले जैसे मैम शाजिया बात कर रही थी कि हमें अपनी जो पॉलिटिकल सोच है उसको अगर हम बाला तक रख के बात करें तो जैसे एक तो हमारे पास ये बहुत बड़ा पाकिस्तानियों के पास स्टेटस है बेनज़ीर भुट्टो जो कि एशिया की सबसे पहली जो है वो फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनी और उसके बाद अब जब से मरियम नवाज ने एज सीएम चार्ज संभाला है हम कुछ भी इस चीज को देख रहे हैं कि वो वुमेन ओरिएंटेड काम कर रही है। जब भी वुमेन की रिप्रेजेंटेशन होगी वुमेन लीडरशिप रोल से आती है वो सबसे पहले अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचती है। इसमें हमने ये भी देखा उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की है जिसमें हैरेसमेंट का इशू जो है उसके लिए खास पंजाब ने कैंपेन स्टार्ट की है। इसके अलावा वर्किंग वुमेन के होस्टल्स बनाने के साथ साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो है उन्होंने स्टार्ट किए हैं। जमाने में काफी ज्यादा मजदूर लोग हैं जिनको उनके हकूक नहीं मिल रहे होते। मैं चाहती हूँ कि एक गवर्नमेंट ऐसा अदारा बनाए जिसमें उनके हकूक उनको मिले और उसमें पता चले कि कितने ज्यादा मतलब मजदूर लोग हैं जिनको उनके हकूक नहीं मिल रहे होते। और ऐसे मजदूर लोग मैंने देखे हैं कि जो पढ़ लिख कर और उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे होते कि वो जॉब में इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद जमाने की मुश्किलात सामना करने के बावजूद उनको हकूक नहीं मिलते जॉब नहीं मिलती क्योंकि बेचारे एक तो मजदूर होते हैं दूसरा उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे होते। तो मैं ये चाहती हूँ गवर्नमेंट का एक ऐसा अदारा होना चाहिए जिसमें मजदूर अफराद अपने मसाइल बताएं और इनके मसाइल का हल। जिन्ना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा माशरा तरक्की करेगा। अगर पूरी दुनिया इस बारे में सोच रही है तो मतलब है कि खवातीन के साथ मुजालत या दास्तान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ये पूरी दुनिया का अलमिया है। सो सानू जरा हम दुनिया के अंदर अगर दौड़ से हिस्सा लेना है तो साढ़ी जी 49.4% पॉपुलेशन जिन्होंने अभी पढ़ते के नाम से या 100 रिलीजियस इंटरप्रटेशन के नाम से कर कैद किया हो या बंद किया हो करके बाहर जाना पेगा ताकि दुनिया के अंदर जो मुकाबले की दौड़ शामिल होना है जीडीपी को इंक्रीज करना है यह जो ह्यूमन रिसोर्स है इसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाए। खास तौर पर एमपीए साहब और साढ़े भी एमपीए साहब ने फार्मेसी बोर्ड दिता या नहीं दिता हम साढ़े सारे सांझे एमपीए हो असि की एक्सपैक्ट करते पे हाँ कि एक्सपैक्टेशन साड़ी सब तो पहले यह है कि 16 साल की उम्र है शादी की पंजाब के विच और 18 साल की उम्र है कानूनी तौर पर फील्ड के विच ह्यूज डिफरेंस जिहड़ा है दुनिया के अंदर ज्यादा साइड का सामना करना पैदा जो असी इंटरनेशनल फोरम पर जाइए कि तो आप एक ऐसे मुल्क से तलब रखते हो जो अपनी रिलीजियस वैल्यूज के बारे में भी कंफ्यूज ने और इवन कि वो अपनी नेशनलाइजेशन के बारे में भी कंफ्यूज ने। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਪਲੱਸ ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ 16 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਹੈ शादी की कम से कम उम्र 18 साल दोनों वास्ते होनी चाहिए। और यह जो अक्सर अभी कहने फलाने वकील ने थोड़ा दो नंबरी कर दी थी फलाने मौलवी ने निकाह पढ़ा लगे दो नंबरी कर दी थी इन्होंने रोकने वास्ते सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि निकाह की रजिस्ट्रेशन जी मैंडेटरी कर दिया जाए लाजमी कर दिया जाए आई डी कार्ड के नाम जो है वो मीडिया में उसको रिप्रेजेंट किया जाए। तो जो इन्होंने मुझे एक टॉपिक अभी असाइन किया है कि जी मेल डोमिनेंस या जो हमारे मार्शल में एक मर्दों की मतलब जो इन्फ्लुएंस है उस हवाले से मैं बात करूँ तो उसकी रिसेंट एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। अभी इलेक्शन हमारे यहाँ हो गए 8 फरवरी को हुआ है तो उसमें फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो कोई 45 फीमेल कैंडिडेट्स थी
जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और उन 45 फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनको जो वोट मिले वो कोई 30,000 है। तो ओवरऑल अगर फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद की जो वोटर्स रजिस्ट्रेशन है वो नंबर कोई 8,00,000 से ऊपर है। तो उस हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल 1% से भी नीचे जो वोटिंग ट्रेंड है वो फीमेल कैंडिडेट की तरफ जाता है। और अगर हम फैसलाबाद की हिस्ट्री को देखें पॉलिटिकल, तो 1970 से लेके अब तक जितने मतलब कोई 12 इलेक्शन हो चुके हैं और फैसलाबाद में सिर्फ 2 फीमेल हैं जो जिन्होंने जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और विन किया। लेकिन उनकी भी अगर बैकग्राउंड देखें तो वो पहले से पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती थी जिसकी वजह से वो इलेक्शन में जीतने में कामयाब हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये मेयर डोमिनस हमारी सोसाइटी जो है उसका एक मतलब बड़ा बात है, इसमें अच्छा नजर आता है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम वोटर रजिस्ट्रेशन देखें तो उसमें जो फीमेल वोटर्स हैं उनकी वोटिंग जो रजिस्ट्रेशन है वो बड़ी है। इवन जो हमारा टर्न आउट था इस दफा इलेक्शन का उसमें भी फीमेल वोटर्स की टर्न आउट ज्यादा है। तो इसके बावजूद अगर रिप्रेजेंटेशन लेवल पे खवातीन को मौका नहीं मिल रहा तो खवातीन को और जो बाकी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसको इस इश्यू को देखना चाहिए। मैं खुद उस हलका से इलेक्ट हुआ हूँ जहाँ पर अकलियती बरादरी मसीही बरादरी का सबसे ज्यादा वोट है पाकिस्तान में एज एनपीए के हलके में। तो मुझे बखूबी अंदाजा है कि मसाइल क्या है आएंगे और हम इनको डिस्कस भी करते रहते हैं और उनपे हम गाय बनाए उसपे हम कोशिश भी करते हैं कि इनको हल किया जाए। भाई ने बात की एकता मोदी की शादी की, मैं सब इस पे हमने ऑलरेडी हमारा ये बिल जा चुका है संधि में, इंशाल्लाह इस दफा हम भरपूर जोर लगाएंगे। वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में ये क्लियर है कि जब तक बच्ची बच्चा बालिग ना हो जाए उनकी शादी ना की जाए और मोस्टली 18 साल की उम्र में बच्चे बालिग होते हैं और साथ साथ दो गवाह होते हैं बच्चों के बड़े वो गवाही देते हैं। तो मैं नहीं समझता कि दूसरी बरादरी में ये नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह इस पर हम पूरा वर्क करेंगे और 18 साल की उम्र में ये कंफर्म करवाएंगे इसी फोरम में। और उसके बाद एक बात की गई कि खवातीन को एम्पावर करने की, खवातीन को सियासत में इसमें 5% कोटा है इलेक्शन के लिए और वहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्टी है जिसमें हमारे 100 एमपीए इलेक्ट हुए हैं जिसमें 10 खवातीन इलेक्ट हुई है, यानी हमने 10% कोटा दिया। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की है। तो खवातीन की तमीज के हवाले से तो हमारे कायद रहमत अल्लाह ने तब कहा था कि पढ़ी लिखी अवाम पढ़ी लिखी कौन। तो इंशाल्लाह इस पे मैंने पहला जो मैं कल पेश करने जा रहा हूँ समझी में हमारी सीसी 100 है वहां बच्चियों का स्कूल कम से कम 5 से 7 किलोमीटर दूर है, मेरी पहली इंशाल्लाह समझी में स्पीच उस पे होगी। और उसके हवाले से मैं कुछ आपसे भी रहनुमाई लूंगा कि आपने एक बात की थी कम उम्र की शादी होगी होगी आज डिसेबल पर्सन थे डिसेबल, इसके लिए आप मुझे एक समरी दें और इस पे हम वर्क करेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो ये भी हमारे मुल्क का एक असासा है ये अल्लाह ताला की तरफ से, अगर हम लोग इस तरह सेहतमंद है अल्लाह ताला ने हमें हर तरह की नियमतें दी है तो डिसेबल पर्सन हमारे ही भाई हैं हमारी ही बहने हैं और उनका हम पे हक है। तो इंशाल्लाह उसके लिए आप मुझे समझी दें मैं समझी में पेश करूंगा और जो भी उनके लिए उनके बेनिफिट के लिए हम कर सके हम करेंगे।